हेलो, वेलकम बैक टू आइए ज्ञान बढ़ाए द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 पॉइंट जिनके आधार पर आप जज कर सकते हैं कि आप एक अच्छे टीचर हैं या नहीं। वो 5 पॉइंट मैं आपको बताऊँगा जिसके बेसिस पर आप एनालाइज कर पाएंगे खुद ही कि आप में क्या कुछ कमियाँ हैं या कमियां हैं तो उनको कैसे दूर करना है। उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं वो 5 पॉइंट जिनके आधार पर आपको सारी चीज़ें समझना है। तो 5 पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं और उन 5 पॉइंट्स को मैं 1 बाय 1 बताऊँगा और प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। और फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम रहती है तो आपके पास है कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और किन किन प्रॉब्लम को आप दूर करोगे और कैसे दूर करोगे, क्या क्या तरीके रहेंगे आपके। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट की हम पहले बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आता है कंपैरिजन विद प्रीवियस टीचर। देखिए, जो भी टीचर हैं आपके आसपास, उन टीचर से आप अपना कंपैरिजन ज़रूर करिए। कई लोग कहते हैं कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कंपैरिजन ज़रूर करना चाहिए। देखिए, कंपैरिजन इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसके पास अगर स्टूडेंट्स हैं होम ट्यूशन के, तो और आपके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जिससे आप भी उस क्वालिटी को सीख कर अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो आपको उस क्वालिटी को सीखना है। सीखोगे कब? जब आप कंपेयर करोगे। कंपैरिजन करना है। अगर कंपैरिजन नहीं करोगे तो आप उसी स्टेज पर बने रहोगे। तो कंपैरिजन जब तक नहीं होगा तब तक ग्रोथ कैसे होगी? तो कुछ लोग जो कहते हैं कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, मैं उनको बताना चाहूँगा कंपैरिजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन आपकी ग्रोथ बताएगा। जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तब तक आप कैसे एनालाइज करोगे कि आप में क्या कमियां हैं? और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और सभी लोगों को शेयर करिए, जिससे कि वो भी समझ सकें कि कंपैरिजन रियल में कितना ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट कंपैरिजन ज़रूर करना है उन टीचरों से जो टीचर रियल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनसे सीख कर वो सारी बातें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है जिससे कि आप भी एक अच्छी अर्निंग कर सकें। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट आपका। अब हम आपको बताएंगे सेकंड पॉइंट। देखिए, सेकंड पॉइंट हमने नोट किया हुआ है कि स्टूडेंट प्रॉब्लम लेकर आता है। स्टूडेंट प्रॉब्लम लेकर आता है, लेकिन कई टीचर कह देते हैं कल बताएंगे, परसों बताएंगे, या ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन देखिए क्या है। अगर कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो अगर रियल में वो इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर वो आपका रेलिवेंट नहीं है, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो आप उसको विद प्रूफ बताइए उस चीज़ को। देखिए, जब आप किसी चीज़ का प्रूफ देते हो तो वो बात वो बच्चा आपकी अच्छे से मानेगा। और आप ऐसे ही कह देते हो, नहीं नहीं बताएंगे, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मत पढ़ो, क्या करना पढ़ के, तो फिर वो बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। और बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा तो आप लोगों के बीच में होगा डिस्प्यूट। आने का मतलब है कि ट्यूशन हटना, और ट्यूशन हटने का मतलब है आपकी अर्निंग कम होना। तो ध्यान रखिएगा, ये मेरा सेकंड पॉइंट। अगर स्टूडेंट प्रॉब्लम लेके आता है, अगर वो आपसे नहीं हो रही है, कोई भी रीज़न हो नहीं हो रही है, तो आप क्या करिए, उसको कह दीजिए बेटा कल हम आपको बताएंगे इसका सलूशन, अभी सॉल्व नहीं हो पा रही है। आप प्रॉपरली बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप ऐसा बोलोगे, हो सकता है कि बच्चा थोड़ा नर्वस हो जाए हो सकता है कि बच्चा थोड़ा नर्वस हो जाए, लेकिन उस समय भी आपको उस बच्चे को मोटिवेट करना है, कहना है कि बेटा चिंता मत करो, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कभी कभी स्ट्रैक नहीं करती है माइंड में, हम उसको आपको आगे नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। जब आप ऐसा कहोगे तो बच्चा कहेगा हमारे सर को आता है, हो सकता है इनका आज मूड सही ना हो इसलिए वो ना बता पा रहे हो। तो जब आप ऐसा कहोगे तो वह डेफिनेटली बच्चा भी आपके साथ एग्री करेगा। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब हम आपको बताते हैं थर्ड नंबर पॉइंट क्या है जो आपको ध्यान रखना है।
तो थर्ड नंबर पॉइंट है, डोंट टेल आई एम द बेस्ट। कभी भी बच्चे से या उसके गार्जियन से ऐसा मत बोलिए कि दूसरे से लगा के देख लो, पता चल जाएगा कि कैसे लोग पढ़ाते हैं। देखिए, अगर आपने ऐसा कहा तो गार्जियन समझेगा बहुत ज़्यादा ये मतलब अपनी रंगबाजी दिखा रहा है, टीचर है और फिर भी इतना रंगबाजी दिखा रहा है, अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, तो उस समय वो ये सोचेगा आप गार्जियन या बच्चा, तो फिर उस समय आपका ट्यूशन हटने के चांसेस बन जाएंगे। तो कभी भी ये मत करिए, कहिए कि आई एम द बेस्ट, ये कहिए कि देखिए आप टीचर ढूंढेंगे तो हो सकता है मुझसे भी कोई अच्छा मिल जाए, हो सकता है मुझसे ख़राब मिल जाए, आप ये चीज़ बोलिए। देखिए अगर अच्छा मिल गया तो आपका लक है और बेकार मिला तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो देखिए मतलब जो चीज़ें आप बोल रहे हो, देखिए अगर आप कहते हो कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ तो ये आपका कॉन्फिडेंस है, अगर आप कहते हो मुझसे अच्छा कोई नहीं है तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो आप अब सोचिए क्या आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आना है, ओवर कॉन्फिडेंस में बताइए, कॉन्फिडेंस में कहिए, कहिए कि मैं अच्छा टीचर हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे सब चीज़ें पता हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हो मुझसे अच्छा कोई नहीं है, आपने कह दिया उनसे लगा के देख लो कोई नहीं मिलेगा, बहुत लोग ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि बोलने का मतलब एक ही है कि उस जगह क्या डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट आया तो फिर ट्यूशन अंडन होने वाला है, पेमेंट आपका रुकने वाला है, प्रॉब्लम आपके साथ आने वाली है। तो भाई ऐसा मत करिए, चीज़ों को समझिए। तो ये तीन पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब हम आपको बताते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर पॉइंट हमने नोट किया है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस ऑफ स्टूडेंट। देखिए जो स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट हैं, अगर कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको क्लियर कराएं। अब क्लियर कराने के कई मोड्स हो सकते हैं, जैसे आप उसको क्या है कोई एक वीडियो दिखा सकते हैं, कोई आप उसको क्लिपिंग दिखा सकते हैं, कोई क्लिप दिखा दीजिए छोटी सी जिससे वो अच्छा समझ जाए वीडियो के माध्यम से कि क्या बताना चाह रहे हैं सर, कोई आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करिए कि बच्चा समझ जाए। बच्चे को समझा दिया तो मतलब आपने अपनी भी प्रोग्रेस कर ली। देखिए सीधी सी बात है, बच्चे की प्रोग्रेस मतलब आपकी प्रोग्रेस, क्योंकि जब आप बच्चे को अच्छा पढ़ाओगे आपका ट्यूशन आराम से चलेगा, और ट्यूशन आराम से चलेगा तो फिर अर्निंग आती रहेगी, और अर्निंग आती रहेगी तो फिर आपकी भी लाइफ अच्छे चलती रहेगी। तो सारी चीज़ें प्रोपोर्शनल हैं, बच्चे को अच्छा पढ़ाओगे आपकी अच्छी अर्निंग आएगी, आपकी अच्छी अर्निंग आएगी आपकी अच्छी लाइफ चलेगी। तो बस यही कहूँगा कि आप अपनी जो अर्निंग कर रहे हो उसको ध्यान रखने की बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालिए पॉजिटिव चीज़ों में, और बच्चे को सारी चीज़ें प्रॉपर वे में आप सिखाएंगे। आप सिखाते जाइए बच्चे को अच्छे से अच्छा कंटेंट दीजिए। ये मत सोचिए हम क्यों पढ़ाएं इतना ज़्यादा इनको, हमें क्या मिल जाएगा। देखिए अगर आप ये सोच रहे हो हमें क्या मिल जाएगा तो फिर टीचर बनने ही बेकार। देखिए टीचर का मतलब होता है गुरु, तो गुरु बनिए, टीचर मत बनिए हमारे हिसाब से। देखिए गुरु वो होता है जो बच्चे के जीवन में भी एक अच्छा परिवर्तन लाता है, तो गुरु बनिए टीचर मत बनिए, क्योंकि आज के डेट में टीचर बन रहे हैं सब लोग। मेरा मानना है कि गुरु बनना चाहिए, टीचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। गुरु का मतलब एक ही होता है कि मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से सिखाएंगे, और तब तक सिखाएंगे जब तक वो बच्चा नहीं समझ जाएगा। तो गुरु बनिए, अच्छे से अच्छा सिखाइए, जितने एफर्ट हैं आपके द्वारा वो सारे एफर्ट डाल दीजिए, और एफर्ट डालने के बाद भी अगर ट्यूशन हट जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप सोच लीजिए कि ऊपर वाले की मर्जी थी, जो हुआ ठीक हुआ, कोई बात नहीं। तो लेकिन आप अपना एफर्ट डालने के बाद ही हार मानिए, ऐसा नहीं कि पहले हार गए क्या होगा कैसे होगा, ये सब चीज़ें नहीं। तो ये फोर पॉइंट आपको समझ में आएंगे। अब हम बताते हैं आपको लास्ट पॉइंट जो है फिफ्थ नंबर पॉइंट। देखिए फिफ्थ नंबर पॉइंट हमने नोट किया हुआ है, ऑलवेज अपडेट विथ न्यू थिंग्स। देखिए अगर कभी सिलेबस में कोई चेंज आ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होके बुक्स में आ रहे हैं, तो उस सिलेबस के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपडेट होंगे। देखिए जब तक आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। देखिए मान लीजिए कोई बुक है, अब उस बुक में मान लीजिए कुछ नए क्वेश्चंस आ गए, और ऑब्वियसली बात है कि बच्चा है तो बच्चे को तो पढ़ना है, क्योंकि बच्चे का सिलेबस है और सिलेबस आपको ही पढ़ाना है, और आप ही अपडेट नहीं हो उसके साथ, तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। अब देखिए अपडेट रहने के लिए आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। देखिए अब आप टीचर हो,
आप गुरु की तरह बिहेव कर रहे हो, तो गुरु का काम ही होता है कि इतना अच्छा देना है कि बच्चा जब कभी भी आपका नाम ले तो उसको भी एक गर्व महसूस हो कि हाँ, इन सर ने हमको पढ़ाया, इसलिए आज हम ऐसे बन पाए। आपकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे टीचर रहे होंगे जो रियल में इतना अच्छा पढ़ाते होंगे कि जिनको आज भी आप याद करते होंगे, कि आप भी कहते हो कि वो टीचर था हमारे स्कूल में या हमारे कोचिंग में, हमारा होम ट्यूशन टीचर, वो हमको बहुत अच्छा पढ़ाता था, ऐसे समझाता था। तो आप ही ज़रूर सोचते होंगे कभी कभी। तो अगर आप सोचते हो तो आप मुझे ही बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर हाँ, रियल में हम भी ऐसा सोचते हैं कभी कभी। तो आप वही एक अच्छा टीचर बनिए, क्योंकि जब आप एक अच्छा टीचर बनोगे, अच्छा गुरु बनोगे, तो अच्छा गुरु जब बन जाओगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें होंगी जिनको आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो बस वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, एक अच्छा गुरु बनिए जिससे कि आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आएँ और आपका जो स्टूडेंट उसकी लाइफ में भी अच्छे चेंजेस आएँ, सभी लोग अच्छी तरीके से रहें। तो चलिए आज की वीडियो के हम यहीं समाप्ति करते हैं और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।